हेलो गाइस, मेरा नाम है मुरली कार्तिक और आप देख रहे हैं क्वांटम टेलीविज़न यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भारत के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद ही आपको पता होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे भारत का जो इंग्लिश नेम है वो तो आपको पता ही होगा कि अंग्रेज़ों ने रखा था, पर क्या आपको पता है यह नाम अंग्रेज़ों ने किस चीज़ पर रखा था? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि पहले वाला जो हमारे भारत था, जो पाकिस्तान और भारत जो दोनों आपस में मिले हुए थे, तब हमारे देश में बहता था इंदुज वैली रिवर, जो कि अब पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। तो दोस्तों, उसी रिवर के इंदुज नाम से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे फैक्ट की ओर। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि भारत देश की पवित्र नगरी है वाराणसी, पर दोस्तों क्या आपको पता है यह वाराणसी दुनिया की सबसे पुरानी नगरियों की सूची में शामिल है? जी हाँ दोस्तों, वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये दुनिया की सबसे पुरानी नगरियों की सूची में आती है। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा, योगा हमारे भारत देश से ही उत्पन्न हुआ था और पूरी दुनिया तक पहुँचा था। पर दोस्तों, क्या आपको पता है भारत ने योगा 5000 साल पहले ही पूरी दुनिया में पहुँचा दिया था? जी हाँ दोस्तों, जिसका प्रमाण ये कुछ तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ तस्वीरों में कुछ चित्र बने हुए हैं तो कुछ में मूर्तियाँ। इन सभी में आपको योगा दिख रहा होगा, जो कि बहुत ही पुराना समय से चली आ रही है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, हमारा योगा कितना पुराना है और ये कितना पहले ही पूरी दुनिया में जा चुका था। अब चलते फैक्ट नंबर 4 की ओर। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, यह आपको तो पता ही होगा, पर क्या आपको पता है भारत सुपर कंप्यूटर बनाने की सूची में कितने स्थान पर आता है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ, भारत सुपर कंप्यूटर बनाने में दुनिया के शीर्ष तीसरे स्थान पर आता है, जो कि बहुत गर्व की बात है। और दोस्तों, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000, जो कि बहुत ही अच्छा सुपर कंप्यूटर माना जाता था। अब दोस्तों, चलते हैं फैक्ट नंबर 5 की ओर। दोस्तों, साल 1986 तक भारत अकेला ऐसा देश था जहां आधिकारिक रूप से हीरा पाया जाता था। मतलब किसी और देश में हीरे की खुदाई करना सख्त कानूनी जुर्म था, पर अगर वही बात करें भारत की, तो यहां पर हीरे की खुदाई करना कोई कानूनी जुर्म नहीं था। ये आधिकारिक रूप से मान्यता मिल चुकी थी कि भारत में हीरे की खुदाई कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्त, भारत में लूडो का जन्म 6वीं शताब्दी में हुआ था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस खेल के चित्र के सबूत अजंता के गुफाओं में आज भी मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, लूडो का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था और इसके चित्र के सबूत आपको अजंता के गुफाओं में मिल जाएंगे। और आप जानते ही हैं कि लूडो कितना लोकप्रिय खेल है और ये बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। राजा महाराजा महारानी सभी ये लूडो का गेम जरूर खेलते थे और आपने इसे महाभारत में भी ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने आखिरी फैक्ट की ओर। दोस्तों, यह फैक्ट शैम्पू से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि शैम्पू कोई फॉरेन सामान है तो नहीं दोस्तों, शैम्पू का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। शैम्पू को हमारे भारत के लोग पुराने ज़माने में चंपू कहते थे, जिसका अर्थ होता था मसाज। और आप तो ये जानते ही होंगे कि पुराने ज़माने में हमारे यहाँ के लोग आयुर्वेदिक तरीके से बाल धोते थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमेशा ऐसे ही रोमांचक वीडियो हमारे चैनल पर देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।